मैं दो तीन कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे रखना चाह रहा हूं। एक तो बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने नहरों का जीर्णोद्धार किया और उसमें हमारे इलाके को भी ये 40 का फिगर गलत दिखा रहा है अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में भी काम हुए, नहरें पक्की हुई, लेकिन उन नहरों को पक्की होने के साथ साथ एक जहां जिन इलाकों में सेम के इलाके हैं उनमें तो अच्छी बात है, हमारे यहां उन नहरों से रिचार्जिंग भी होता था। तो गांव में जहां नहरें पक्की हुई हैं वहां वाटर टेबल नीचे जाने लग गया है। तो मेरा अनुरोध है सिंचाई विभाग से कि उनके बेड में हर कुछ एक निश्चित दूरी के ऊपर उसको बेड को काट के कुछ कच्चा पोर्शन बढ़ाया जाए ताकि वो पानी आगे भी जाता रहे और रिचार्जिंग का काम भी साथ साथ होता रहे। दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय कि सरकार किसानों के लिए मुआवजा दे रही है, हमारी सरकार काफी अच्छा काम करी इस विषय में, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे दस्तकार हैं जो कृषि आधारित मजदूरी करते हैं, उदाहरण के रूप में जो मटके बढ़ाने का काम करते हैं, कच्ची मिट्टी के मटके बढ़ाते हैं और जब बारिश हो जाती है तो पूरे बनाए बनाए सारे खत्म हो जाते हैं, तो इस तरह के छोटे दस्तकारों को भी मुआवजे का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। तीसरा है कि हमारे यहाँ रेलवे का ओवरब्रिज है, डिप्टी सीएम बैठे हैं यहाँ, और वो ओवरब्रिज जब से बना है तब से डिफेक्टिव है। मैंने वहां के लोकल पीडब्ल्यूडी एक्शन को कहा था, रेलवे के अधिकारियों से बात कर उसको ठीक करा दो, उसको 3 साल हो गए और अब उस पर बिल्कुल वेव्स पड़े हुए हैं और पैदल जो मोटरसाइकिल पे चलने वाले आदमी है उनके लिए बड़ा रिस्की है। तो मेरा अनुरोध है कि रेलवे से संपर्क करा के या पीडब्ल्यूडी से उसकी उस रेलवे क्रॉसिंग को, निजामपुर रोड पे रेलवे क्रॉसिंग है, वो जो रेलवे फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर को ठीक किया जाए। और महोदय चाहूंगा कि उसका LC नंबर जो भी है लेवल क्रॉसिंग वो मैं भिजवा दूंगा, वो डिटेल दे दे कि हम उसको इमीडिएटली चेक करें, क्योंकि हमारे संज्ञान में एक कोसली शहर का रेलवे ओवरब्रिज ऐसा आया था जिसमें वाइब्रेशन थी, आज उसको पूरा डिस्मेंटल कर हमने दोबारा बनाया। अगर ऐसा निजामपुर के आसपास किसी रेलवे ओवरब्रिज पे तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाए। थैंक यू जी, थैंक यू। एक अंतिम बात अध्यक्ष महोदय जो मैं आपको कहना चाहता हूं, थोड़ी सी मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ द वे लगती है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी सामाजिक समस्या ये बन चुकी है कि इसकी तरफ हर आदमी को ध्यान करना चाहिए, गौर करना चाहिए, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रेम विवाह के नाम पर रोजाना लड़कियां जा रही हैं, वो भी कोई बात ना, प्रेम विवाह बुरी, मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन पारिवारिक रिश्ते खत्म हो रहे हैं, समाज का ताना बाना खत्म हो रहा है, बिल्कुल खून के रिश्तों में भी शादियां होने लग गई। अध्यक्ष महोदय, इस बात पे मैंने एक आपके यहाँ एक मैंने आधे घंटे की चर्चा के लिए प्रस्ताव भी दिया है, मुझे नहीं पता उस पर वो स्वीकार होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि ये बहुत बुरी बीमारी है, समाज की सुरक्षा अगर खत्म हो गई तो आदमी बिना समाज के रह नहीं सकता। और जहां तक पर्सनल लिबर्टी की बात है, बड़ी अंग्रेजी की बड़ी फेमस सेइंग है कि लिबर्टी इज नॉट ए पर्सनल अफेयर बट इट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समाज के अंदर रह के ही आदमी अगर आजादी अपनी एंजॉय करे तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी बुरी बीमारी है, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता, नहीं मुझे डर लग रहा है, वो अवस्था आने वाली है जब माँ बाप को अपने बच्चों पे भी निगरानी रखनी पड़ेगी, तो इसके बारे में समय रहते हुए इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।